नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार और मैं हूं सुनीता शर्मा। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना कतई ना भूलें। और हाँ, यह खास रिपोर्ट अच्छी लगे या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दिल्ली हिंसा में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसा में घायल अयूब नाम के शख्स की शुक्रवार सुबह पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अयूब के साथ मारपीट 25 फरवरी को हुई थी, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां शुक्रवार सुबह 6 बजे अस्पताल में मौत हो गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में हुई। वहीं जाफराबाद स्थित मदरसा बाब उल उलूम के मोहतिम मौलाना दाऊद ने जुम्मे की नमाज में खुतबे में कहा कि देश में रहने वाले लोग हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, पहले वह हिंदुस्तानी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर रोक लगाने की जरूरत है, इससे माहौल ज्यादा बिगड़ा है। साथ लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि खुद की सुरक्षा के साथ अपने पड़ोसी की सुरक्षा भी करें। 3 दिन तक दंगाइयों के चलते हिंसा की चपेट में रही उत्तर पूर्वी दिल्ली शांति की ओर लौट रही है। पिछले 50 घंटों से हिंसा की कोई नई वारदात नहीं हुई है। वहीं शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के चलते दिल्ली पुलिस ने जगह जगह कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। ब्रह्मपुरी इलाके में हर गली में सुरक्षा बल तैनात है। वहीं हिंसा में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 39 पहुँच गया है। इसी के साथ 100 से अधिक घायलों का अब भी विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की एक टीम शुक्रवार दोपहर आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की चांद बाग स्थित फैक्ट्री में पहुंची है। दिल्ली हिंसा में आईबी के कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या आरोपों से घिरे आप पार्षद ताहिर हुसैन के घर से बृहस्पति को तबाही का सामान बरामद हुआ है। ताहिर के घर की छत से पेट्रोल बम, तेजाब के पाउच, गुलेल के साथ काफी संख्या में बोतलें भी मिली हैं। पुलिस ने घर को सील कर दिया है और अंकित के पिता की शिकायत पर पार्षद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात कांस्टेबल अंकित शर्मा की कुर हत्या के मामले में आप पार्षद ताहिर हुसैन पर मामला दर्ज होने के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ट्वीट कर इशारों में पूरी आप पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है, दुगनी सजा मतलब अब ताहिर के साथ साथ उसके आका को भी सजा मिलनी चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या में आरोपित आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर पता चला है कि वह 20 साल पहले मजदूरी करने यूपी के अमरोहा से दिल्ली आया था। फिलहाल वह 18 करोड़ की संपत्ति का मालिक है और उसकी एक फैक्ट्री भी है। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप चाहते हैं आपके शहर का भी कवरेज किया जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि अगली कड़ी में हमारी बात हमारे शहर में हम जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद, सादर प्रणाम।